बांग्लादेशी स्टूडेंट का प्रोटेस्ट काम आ चुका है और कल जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। 45 मिनट का टाइम दिया गया था शेख हसीना को आर्मी की तरफ से कि भाई आप इस्तीफा दे दे। शेख हसीना को इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो अपना तकरीर रिकॉर्ड करे और वो जल्दी जल्दी बांग्लादेश से भाग चुकी है। आज हमारे पास कई सारी वीडियो है जो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट हुआ और शेख हसीना भाग चुकी है। तो आइए देखते इन वीडियो को, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश के प्रोटेस्ट काम आई। आइए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए पिछले एक महीने से ये प्रोटेस्ट जारी था, इससे ऐसे वीडियोस हमारे पास है जिसमें हेलीकॉप्टर से स्टूडेंट्स के ऊपर फायरिंग की जा रही है। तो शेख हसीना अगर पाकिस्तान से, पहली बात हुई है कि उसके दिल में इतनी नफरत नहीं होती पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तानी हो तुम या तुम लोग, तो अगर ये नफरत उनके दिल में नहीं होती, आम आवाम अगर बोलती कि भाई आप अपने उन पाकिस्तानियों को जो आपने पाकिस्तानियों के साथ जंग की हुई है उनको चलो समझ लो कि यार 5-10% कोटा दे दिया, बाकी आम आवाम के लिए दिया जाए, ये नफरत काम नहीं आती। सही है, तो उसमें होता ये कि भाई आम आवाम को भी जॉब भी मिलती, सही है ना, प्रोटेस्ट भी खत्म हो जाता, लेकिन इनका जो दिल में पाकिस्तान के लिए जो नफरत थी वो बढ़ती रही और पाकिस्तान के नाम से जो है वो काफी इनको प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से आप लोगों ने देखा कि भाई उनको अपनी सीट से भी फारिग होना पड़ा और मुल्क के अंदर इस टाइम पे आर्मी का रूल चल रहा है।